अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये व्लॉग का थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि हमारी वीडियो किस बारे में। मैं चलाना सीख रहा हूँ बाइक, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? मैं बाइक चलाना सीखना चाहता हूँ और सीख रहा हूँ। आज पहला दिन है बाइक चलाने का और मेरे साथ इस वक्त जो मेरी मदद करने के लिए जो आवाम हमने जमा की है, एक ये है यूसुफ हादिलाई है हमेशा की तरह। हमारे पास ये है यूस वारिस साहब मेरे उस्ताद, और ये इधर, और ये हमारे शपाटर। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है अफसर साहब ये भी हमारे साथ हैं। दो बाइक्स हमारे पास, एक बाइक वो है जो मैंने ख़रीदी है। भाई दिखाओ बाइक, नंबर प्लेट नहीं दिखाना। ये बाइक मैंने ख़रीदी है, ख़रीदी नहीं है मतलब मुझे ये गिफ्ट मिली है। तो अब हम बाइक चलाना सीखेंगे। थोड़े से मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि किस तरह स्टार्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब देखते हैं बाकी का व्लॉग कौन कंटिन्यू करेगा। यूसुफ कंटिन्यू करेगा, वारिस मेरे साथ बैठेगा और अफसर और यूसुफ अलग बाइक पर होंगे। तो अब बाइक स्टार्ट करके फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। A few moments later, 2000 years later. अभी देखो आधा का लंच देखो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी अगर नहीं देखे तो साथ में गुस्सा भी आता है। कसम से ऐसा कर रही है, मैं नहीं कर रहा जानबूझ के। चलो इसकी सेटिंग कर। इतना वजन लेके तो ये खुद भी बैठा हुआ है यहाँ पर। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। A few moments later, 2000.
मेरा बाल सेट मारिस यार। आपने बाइक चलाई, कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत खत्म हो रही है, पता नहीं अल्लाह जाने आप लोग कैसे हाईवे तक लेकर जाते हो बाइक, इतना पट्टी ये वो। मैं तो इतनी सी देर में थक गया, 5 मिनट थक गया मेरा काम ही ये बाइक वाइक चलाना। मैंने सोचा ये बाइक ली है ना, अब ये पुरानी बाइक है ये बेचूंगा, थोड़े पैसे इसमें डालूंगा 200। इतनी खुशी उसके बाद एक ड्राइवर रखूँगा, राइडर, हाँ वो ड्राइवर रखूँगा, फिर वो बाइक लाकर ले जाना था। आप लोग एक चीज़ दिखाओ, आप लोग हर वक्त बोलते रहते हैं ना, देखो आज मैंने बाइक चलाना भी सीखी है क्लॉक टावर के सामने, वो देखे मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पे हर वक्त मैं बैठा रहता हूँ, लोगों का कहना ये है। और आप लोगों ने इतनी गंदी बदवाएँ लगाई हैं कि कसम से अब मेरा वहाँ जाना कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में अब मैं नहीं जा सकता वहाँ पर क्लॉक टावर। क्यों, ऐसा क्यों? बस एक थोड़ा सा मसला हो गया था वहाँ पर।